बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबकी जितनी भी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं, वो अल्लाह पाक जो बाबरकत महीना रमज़ान आने वाला है उसके सदक़े से जो है वो दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, अब रमज़ान जो है वो शुरू होने वाला है, तो रमज़ान से पहले मौसम भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो आगे से बेहतर हो गया है। स्टिल सर्दी तो है, लेकिन यह है कि बीच बीच में अब जैसे धूप भी काफ़ी निकल रही है। तो हमेशा ही ऐसे होता है, वैसे जब भी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमतों का ये महीना है, तो बस देखें महीना शुरू होने से पहले ही जो अल्लाह ताला की रहमत है वो हम पर जो है वो बरसना शुरू हो जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी जिस हाल में रहें बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ अपने वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा कि चलें, वैसे तो सब कुछ बंद पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन चलें जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर जो है वो चलते हैं। तो मौसम जब अच्छा होता है तो बच्चों को जो है वो हम लोग लेके जाते हैं ड्राइव पर, कंट्री साइड पर। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि कंट्री साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत तरीन जो है वो होती है, और काफ़ी जो है वो जानवर भी, जिस दिन धूप निकलती है ना तो काफ़ी जानवर बाहर होते हैं। शीप्स वगैरह होती हैं, हॉर्स होती हैं, काऊ होती हैं, हन, सारा कुछ होता है। तो बच्चे जो है वो देख के जो है खुश हो जाते हैं। वैसे भी जो लॉन्ग ड्राइव है कंट्री साइड की वो बड़ी प्यारी होती है, क्योंकि शहरों में पता है फिर वो सारा ऐसे बिजी बिजी सा होता है ना, हर तरफ शॉप्स होती हैं, घर और इस तरह से। तो कंट्री साइड जो है वो बिल्कुल ऐसे खाली खाली सी होती है, कुछ कुछ बस घर होते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो ऐसे ग्रीनरी होती है। तो मुझे तो ऐसे कंट्री साइड की ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में आप सब फ्रेंड्स का शुक्रिया कि जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, और उस एक फ्रेंड का भी बहुत थैंक यू जो आकर मेरी हर वीडियो को जो है वो डिसलाइक कर जाता है या फिर कर जाती है। पता नहीं उन्हें मेरी वीडियो में जो है वो क्या चीज़ ऐसी नापसंद होती है कि वो बस मेरी हर वीडियो को जो है वो डिसलाइक कर जाते हैं। तो बस एक दूसरे को सपोर्ट किया करें प्लीज़। अगर किसी की वीडियो को आप लाइक ना कर सकें तो उसको डिसलाइक भी ना किया करें। तो यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आगे भी अपनी एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ जो है वो आप इस तरह से ना किया करें। वैसे ही मेरी एक वीडियो में कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि जिसको कोई डिसलाइक करे, क्योंकि मैं तो या फिर अपने जो कुछ खानों के होते हैं वीडियोस वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या फिर कोई इस तरह से जैसे अभी हम लोग बाहर आए हैं तो एक वीडियो बनाया है कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और कुछ जो फ्रेंड्स हैं यूके से बाहर हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं, तो वो भी जो है वो देखते हैं। जैसे अभी हम लोग यूट्यूब को ओपन करते हैं तो तरह तरह के ममालिक की वीडियो देखते हैं, इसी तरह और भी ममालिक के बंदे होते हैं जो वीडियो देखते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए या ना आए तो वीडियो को डिसलाइक ना किया करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है वो मेहनत के साथ बनाई जाती है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर उन सबको ही अच्छे तरीके से पता है कि एक वीडियो जो है वो काफ़ी मेहनत के साथ जो बनती है, काफ़ी जो है वो टाइम भी लग जाता है इसको बनाने में। तो इसलिए प्लीज़ किसी की मेहनत का ख्याल कर लिया करें और वीडियो का लाइक कर दिया करें। तो अभी ये देखें जी, बाय साथ साथ माशाल्लाह से कितना वो अच्छा लग रहा है सब कुछ। कंट्री साइड पे जो है वो हम लोग ये जा रहे हैं, तो रास्ते में मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे आएंगे रिजर्वर, अगर अपनी ज़ुबान में कहा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं ना पानी के तालाब, वो
तो ये इन्होंने खुद यहाँ पर जगह जगह पर बनाए हुए हैं, जहाँ पर बारिश का जो पानी होता है ना वो सारा इकट्ठा होता है, फिर वही पानी फिल्टर होकर जो हम लोगों के घरों में आता है, जो हम लोग पीने के लिए और बाकी जो इस्तेमाल के लिए पानी करते हैं ना इस्तेमाल, तो वो सारा ये पानी होता है। वो इसलिए फिर ये काफ़ी जो है वो प्यारी जगह है, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में रिजर्वायर आते हैं। और ये देखें जी सामने खेत कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये देखें एक ये आ भी गया है रिजर्वायर, बहुत ही अच्छा सा लगता है। इन्होंने ये ऐसे तालाब से बनाए हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ पर बारिश का सारा पानी इकट्ठा होता है। और यहाँ पर इन्होंने फिर साथ जैसे वॉकिंग की जगह भी बनाई होती है कि आप लोग गाड़ी पार्क करके तो वॉक कर सकते हैं और नज़ारे भी इंजॉय करें और वॉक भी करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा लग रहा है।
उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये जो लॉन्ग ड्राइव थी वो कैसी लगी। तो सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।